makes my hair really, really shiny. Or काफी अच्छी लगती है मेरे बाल. Hi guys, welcome back to my channel Ruchi Style Corner. Title से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है. तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि आप घर पे कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में आप कर सकते हैं. एज यू ऑल नो कि मार्केट में केराटिन ट्रीटमेंट, सिस्टीन ट्रीटमेंट और क्यूओडी ट्रीटमेंट कितने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. जिन लोगों को नहीं पता है केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं उनको बता देती हूँ. ये एक तरह का प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है जो आपके बालों में किया जाता है. आर्टिफिशियली आपके बालों में प्रोटीन को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपके बालों की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी होती है, शाइनी हो जाते हैं. आपके बालों को एक तरह से सप्लीमेंट दिया जाता है आर्टिफिशियली, जिससे आपके बाल काफ़ी हेल्दी होते हैं. तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करने जा रही हूँ वो है त्रिचप क्रीम. तो बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय त्रिचप एज वेल. तो उन्होंने मुझे काफ़ी क्यूट सा और स्टर्डी सा बॉक्स दिया हुआ है, जिसको मैं डिकॉर पीस में यूज़ ज़रूर करूँगी. और इसमें मुझे भेजा हुआ है उन्होंने स्पा क्रीम्स, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ. सो बेसिकली दिस इज त्रिचप हेयर क्रीम केराटिन, हेयर क्रीम केराटिन, और इसका नाम है हेयर क्रीम केराटिन. तो बेसिकली दिस इज अ डैमेज रिपेयर. अगर आपके बाल डैमेज हैं या आपने केमिकली ट्रीटमेंट लिया है और आपके बाल काफी डैमेज हो चुके हैं या पोल्यूशन की वजह से आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन. और इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू जो केराटिन ट्रीटमेंट्स मिलते हैं हमारे मार्केट में. तो ये बेसिकली क्रीम काम क्या करता है, आपके बालों से जो लॉस्ट प्रोटीन होता है, जो आपके बालों से जा चुका है, उसको ये वापस से रिप्लेस करेगा एंड आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. साथ ही साथ आपके बालों में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा और जो भी ब्रेकेजेस होते हैं हमारे बालों में उसको ये रोकेगा. इसके अंदर कंडीशनर मिला हुआ है, तो आपको जब आप इसको यूज़ करते हो तो आपको कंडीशनर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ये आपके बालों को शाइनी, स्मूथ, सॉफ्ट तरीके से छोड़ेगा. इसको मैंने डेफिनेटली फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, तो मेरे जो रिव्यूज़ रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे और मुझे एक्चुअली में बालों में कैसा फील हुआ है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी. बिकॉज उसका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको ट्राई करने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है. एंड दूसरी चीज़, ये मेड इन इंडिया है और पूरी तरह से हर्बल है, तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं मिले हुए हैं. तो ये है त्रिचप हेयर क्रीम केराटिन डैमेज रिपेयर प्रोडक्ट और ये इसका बॉक्स है ग्रीन कलर का. तो इसको मैं ओपन करती हूँ. इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अमेजिंग है. इनफैक्ट जब आप हेयर वॉश भी कर लोगे तो आपके बालों में ये 6-7 आवर्स तक स्टे करती है. इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है एकदम से जाती नहीं है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपको खुद को ही बहुत अच्छी खुशबू आती है. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाटर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, ताकि जो मेरा क्रीम है वो अच्छे से मेरे पूरे बालों में स्प्रेड हो जाए. बिकॉज़ आई हैव रियली लॉन्ग हेयर और अगर मैं पूरा प्रोडक्ट इसमें लगाऊंगी तो यू नो, सो आई यूजुअली डू दिस. अगर मैं स्पा क्रीम यूज़ करती हूँ या मैं केराटिन क्रीम यूज़ करती हूँ तो मैं इस तरह से ही यूज़ करती हूँ. और जिस तरह से प्रोसेस से मैं लगा रही हूँ, आप छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लीजिए, सेक्शंस लीजिए अपने बालों के और क्रीम को लगा के थोड़ा सा उसको मसाजिंग डायरेक्शन में अप डाउन जिस तरह से मैं अपने वीडियो में कर रही हूँ वैसे आप करिए, ताकि जो आपका क्रीम है वो अच्छे से बालों में लगे, प्रॉपर एक एक स्ट्रैंड पे जो क्रीम है लगे. एंड कोशिश करिए कि आप अपने बालों के रूट्स पे भी ज़रूर लगाएं और जो अपने बालों का नीचे का स्ट्रैंड है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्राइनेस रहती है आपके बालों में, वहाँ पर ज़रूर लगाएं. जनरली सभी के बालों में आई गेस नीचे के साइड में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, तो मैं वहाँ पर काफ़ी सारा प्रोडक्ट लगा रही हूँ. ऑलरेडी प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, ना ही ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा लिक्विडी है. अगर आपके छोटे बाल हैं तो आई थिंक आपको ऐसे पानी स्प्रिंकल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट इफ़ यू हैव अ लॉन्ग हेयर एंड आपके ज़्यादा बाल हैं, घने बाल हैं, देन डेफिनेटली आप थोड़ा स्प्रिंकल करोगे तो जो आपका क्रीम है वो काफ़ी अच्छे से आपके बालों में लग जाएगा. और इसको लगाने के बाद मैं 30 मिनट्स तक अपने बालों में रखूंगी और उसके बाद ये प्रोडक्ट मेरे बालों के अंदर रूट्स में जा कर के काम करे, उसके लिए मैं स्टीम लूंगी. तो अगर आपके पास स्टीम कैप है तो ठीक है, अगर आपके पास स्टीम कैप नहीं है तो आप हॉट वाटर में टाल को लेकर के अपने बालों में लगा सकते हैं. बट आई हैव दिस स्टीम कैप, तो मैं यहाँ पर ये यूज़ करूँगी और इसको हार्डली मैं 5 मिनट्स के लिए स्टीम दूंगी एंड 30 मिनट्स अपने बालों में इसको रखूँगी एंड नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लूँगी. दिस इज़ द प्रोसेस. ओके, सो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर वॉशिंग. मैंने आज ही वॉश किया है और हार्डली मुझे 2 आवर्स हुए हैं और मैंने इसको कोई ब्लो ड्राई नहीं किया है, नेचुरली नेचुरल एयर में मैंने इसको ड्राई होने दिया है. एंड लुक एट द रिजल्ट. एक्चुअली मेरे बालों पे ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट इट इज़ लुकिंग रियली शाइनी और नीचे के जो स्ट्रैंड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. मतलब एकदम से ऐसे चिपकू बाल नहीं हुए हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा यू नो ऐसे हैं, फ्लोई है. एंड मैंने डायरेक्टली शैम्पू से वॉश किया था और उसके बाद कोई कंडीशनर मैंने यूज़ नहीं किया. एंड लुक एट दिस, मतलब
मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हो रखे हैं. आई रियली लाइक इट, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल है और उस रेंज के हिसाब से ये बहुत अमेजिंग काम किया इसने मेरे बालों पे. तो यू नो, हेयर केयर प्रोडक्ट को लेकर के मैं थोड़ी सी चूजी रहती हूँ, बट आई रियली लाइक दिस वन बिकॉज दिस मेक्स माई हेयर रियली रियली शाइनी और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल. सो आई हाईली रिकमेंड यू. अगर आप ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दिया रहेगा. इनके और भी ज़्यादा वेरियंट्स जो है वो अवेलेबल हैं. त्रिचप ऑयल आता है, त्रिचप शैम्पू आता है. मुझे याद है मैं जब छोटी थी, ये तब का ब्रांड है, ये बहुत पुराना ब्रांड है. काफ़ी पहले से इनके you know, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं. तो आई विल लिंक दिस प्रोडक्ट एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू वॉन्ट टू बाई इट. बट आई हाईली रिकमेंड यू. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा रिजल्ट कैसा है, तो आई विल से जस्ट ट्राई दिस. एक बार आप ट्राई कर जरूर करिएगा इसको, आपको मज़ा आ जाएगा, आपके बालों को छूने का मन करेगा आपको बार बार. सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.